नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप आइए इसमें। दोस्तों आज की जो ये वीडियो रहने वाली है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये जो है करंट अफेयर्स के जितने भी आज तक के टॉपिक्स हैं उनको हम वीकली बेसिस पे जो है आपके लिए एक वीडियो रोजाना ला रहे हैं। तो इसमें आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं तेजस LCA, जन सूचना पोर्टल, यमुना फ्लड प्लेन, इंटरपोल नोटिसेस, UAPA अमेंडमेंट बिल और इवन फार्मूला इन दिल्ली एंड एयर पॉल्यूशन, मर्जर ऑफ बैंक्स, COP14 एंड रिलेटेड इशूज, वाइट रिवॉल्यूशन इन हांगकॉन्ग और यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये एग्ज़ाम से पहले आपको देखनी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि पूरे एग्ज़ाम का क्रैश कोर्स जो है इन वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ होगी वो बेसिकली UPSC प्रीलिम्स स्टेट पीछे जितने भी प्रीलिम्स जितने भी स्टेट्स के आ रहे हैं एज वेल एज़ मेंस के लिए भी ये फॉर्डर पॉइंट का काम करेगी। तो दोस्तों ये वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिए। और दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं LCA तेजस से। तो देखिए ये न्यूज़ में इसलिए है तेजस अभी हाल ही में क्योंकि इंडियन नेवी ने जो है लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है तेजस को जो है हाल ही में जो है इसकी जो है शॉर्ट अरेस्टेड लैंडिंग कराई है, जो कि शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी गोवा INS हंसा में की गई है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में। तो देखिए तेजस LCA जो है वो सबसे छोटा लाइटवेट और मल्टी रोल सिंगल इंजन सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है पूरी दुनिया का। तो दोस्तों ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ये क्या है, लाइटवेट मल्टी रोल सिंगल इंजन सुपरसोनिक इंजन, आपको ये रखना है कि ये हाइपरसोनिक नहीं है, ये सुपरसोनिक है। तो इसके अलावा देखिए इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय ये जो है जॉइंटली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्लस हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो इसके अलावा ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है और सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है, ये बात बहुत ही ध्यान में रखिएगा। तो अगर ये पूछ दे इट इज़ डेवलप्ड बाय USA एंड रशिया जॉइंटली अलॉन्ग विथ इंडिया, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि इंडिजिनसली डेवलप्ड और सिंगल सीटर है। इसके अलावा देखिए तेजस जो है सेकेंड सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है टू बी डेवलप्ड बाई HAL। इसके अलावा इससे पहले जो एयरक्राफ्ट था वो था H-24 मारुत। तो अगर ये क्वेश्चन भी UPSC दे दे LCA तेजस इज द फर्स्ट सुपरसोनिक LCA व्हीकल डेवलप्ड बाई HAL, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप बोलिएगा नहीं कि क्योंकि H-24 मारुत पहले ही डेवलप किया जा चुका है। तो इसमें जो है हाई मैनोवरेबिलिटी है। इसके अलावा देखिए अगला जो टॉपिक आ जाता है जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे प्रीलिम्स से रिलेटेड LCA तेजस से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला आ जाता है राजस्थान का जन सूचना पोर्टल। तो जन सूचना पोर्टल किसने लॉन्च किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो व्हाट इज़ जन सूचना पोर्टल, तो ये अपने आप में पब्लिक इन्फॉर्मेशन पोर्टल का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, जिसमें कि जो एम करता है कि पब्लिक को जो है प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें बाई हैविंग अ एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन्स। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है फूड ग्रेन्स रोटेशन शॉप्स से रिलेटेड और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, तो ये पूरी जो है रियल टाइम बेसिस पे इस प्लेटफॉर्म में पब्लिक को जो होती है अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि बहुत सी कमेटी, K-57 कमेटी, K-87 कमेटी और भी बहुत सारी कमेटीज़ जो हैं उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट अ पोर्टल इन विच दे कैन हैव द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज टू पब्लिक प्रोएक्टिवली। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसी कदम में जो है उन रिकमेंडेशन का ध्यान रखते हुए जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया है, जो इसको सेंट्रल लेवल पर भी किया जाना चाहिए। तो ये जो पोर्टल का लॉन्च किया गया है ये आर्टिकल RTI एक्ट 2005 के Section 4(2) का जो है रियल मतलब एक अच्छे तरीके से ट्रू स्पिरिट माना जा सकता है इसे, क्योंकि RTI एक्ट ये कहता है कि गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोएक्टिव इन डिस्क्लोजिंग द इन्फॉर्मेशन। अब देखिए सरकार जितनी ज़्यादा प्रोएक्टिव होगी तो उतना ज़्यादा जो होगा जनता को जो है इससे फ़ायदा होगा। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी तो ट्रांसपेरेंसी से जो है अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, और जहाँ ट्रांसपेरेंसी हाई है अकाउंटेबिलिटी हाई है तो वहाँ पे विजन हाई होगा, और इसका विजन अगर हाई होगा तो इसका मिशन भी जो गवर्नमेंट का होगा वो हाई होगा। अगर विजन मिशन हाई होगा तो गवर्नमेंट का जो 5 ट्रिलियन टारगेटेड इकोनॉमी है उसको अचीव करने में जो है गवर्नमेंट को बहुत ही आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा कि जन सूचना पोर्टल क्या है। इसके अलावा अगला टॉपिक आ जाता है गिग इकोनॉमी। तो ये गिग इकोनॉमी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि
कैलिफोर्निया ने हाल ही में बिल पास करके गिग इकोनॉमी को जो है एक नया शेप देने की जो है बात कही थी, क्योंकि जो इससे जो हो रहा था वहाँ के वर्कर्स को जो था थ्रेट पैदा हो रहा था, जो कि उबर और अन्य कंपनीज़ के माध्यम से हो रहा था। तो देखिए, ये जानने से पहले कि गिग इकोनॉमी क्या है, तो इसमें बेनिफिट्स देखिए, गिग इकोनॉमी में वर्कर्स को जो है पेड लीव मिलती है, मिनिमम वेजेस उनके इंश्योर होते हैं, हेल्थ बेनिफिट हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स होते हैं, और भी ज़्यादा बहुत से इसके बेनिफिट हैं। मगर गिग इकोनॉमी क्या होता है, देखिए इसमें ऐसा होता है कि एक टेम्प्रेरी फ्लेक्सिबल जॉब्स इसमें दी जाती हैं इन फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, उसके बजाय इसके कि फुल टाइम उनको जॉब दी जाए। तो इसमें जो है ट्रेडिशनल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये अंडरमाइन करती है। इसके अलावा देखिए, जो वर्कर्स होते हैं उनकी पोजीशन जो होती है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि और उनका जो लाइफ टाइम कैरियर है वो एक ही जगह पे स्टेगनेट होकर रह जाता है ये गिग इकोनॉमी में। यानी कि जैसे हायर एंड फायर पॉलिसी जो होती है, मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो हायर कर लो और कंपनी घाटे में है तो फायर कर दो, ये वेस्ट एशिया और वेस्टर्न मॉडल ऑफ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करती है गिग इकोनॉमी। तो इसके बट इसके रिस्क क्या क्या हैं, इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता, और इसको जो है पेड और इसमें जो है ये भी वर्कर्स को जो है पेमेंट ना मिलने का भी जो है खतरा बने रहता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये भी अश्योर नहीं है कि कंपनी जो है वो उनको क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज दे रही है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक जो हमारा आ जाता है वो है नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो दोस्तों, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो बेसिकली लॉन्च किया गया है फुट एंड माउथ डिजीज़ को लेकर और ब्रुसेलोसिस को लेकर, जो कि लाइव स्टॉक में जो है इंडिया के जो है बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। तो ये जो है 11 सितंबर को मथुरा से जो है लॉन्च किया गया था, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब देखिए, CSS होते हैं दो प्रकार की, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर स्कीम। तो आपको जो है आपकी ये पॉलिटी का भी पार्ट है, इकोनॉमी का भी, कि CSS और CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर स्कीम में क्या अंतर है, तो आगे जानेंगे इसको और इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो इकोनॉमी की आर वशिष्ठ जो है बना रहे हैं, तो उस पर जो है जल्द ही वो सीरीज़ आपकी लॉन्च हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम के जो हैं दो कंपोनेंट हैं, कि जो डिजीज़ फ्री जो है बाय 2025 किया जाए, इसके अलावा जो है फुट और माउथ डिजीज़ को जो है टोटली इरेडिकेट किया जाए बाय 2030। इसके अलावा जो पूरा प्लान का पीरियड है वो 5 ईयर का है, जो कि 2024 तक चलेगा। इसमें क्या ये प्रोग्राम एम ये करता है कि 500 मिलियन लाइफ स्टॉक, जिसमें कि कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग एट्सेट्रा जितने भी हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाए फुट और माउथ डिजीज़ के लिए। तो दोस्तों, इसको जो होता है देशी भाषा में इसको बोलते हैं खुरपका रोग। तो ये जो खुरपका रोग होता है, इसमें क्या होता है कि जो खुर मतलब जो गायों के पांव होते हैं उनमें पकने लग जाता है, मतलब उनमें जो होता है पस भर जाता है। तो इसकी वजह से जो गाय होती हैं और जितना भी लाइफ स्टॉक होती है उसको बहुत ही हानि होती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए, तो ये इसका बेसिक एम है कि 36 मिलियन फीमेल बोवाइन जो छोटे मतलब काब्स होते हैं, मतलब जो बछड़े होते हैं, उनको जो है एनुअल बेसिस पे जो है ब्रुसेलोसिस डिजीज़ से बचाने के लिए जो है उनको जो है वैक्सीनेट किया जाए। इसके अलावा ब्रुसेलोसिस डिजीज़ क्या है, देखिए ये भी UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि कोई भी एक डिजीज़ को उठा लेगी और पूछ लेगी द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू। तो वो देखिए, ब्रुसेलोसिस जो डिजीज़ है वो डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो कि बैक्टीरिया जिसका नाम है ब्रुसेला उससे कॉज होती है, और ये एनिमल में मेनली फाउंड होती है, और एक जूनोटिक डिजीज़ है जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकती है। ब्रुसेलोसिस जो है वो ह्यूमन में जो है मिल्क, मीट और चीज़ के द्वारा जो है फैलती है, क्योंकि ब्रुसेलोसिस देखिए सबसे जूनोटिक डिजीज़ का मतलब क्या है, द जो स्पीसीज विच हैव इट्स ओरिजिन इन द एनिमल्स। तो एनिमल से कैसे फैलेगी, देखिए मान लीजिए कि ये ब्रुसेलोसिस जो है गाय को है, तो गाय का दूध जो है किसी इंसान ने पिया, तो थ्रू मिल्क जो है बैक्टीरिया जो ब्रुसेलोसिस के हैं वो कहाँ आ जाएंगे, वो उस इंसान के पेट में चले जाएंगे और वहाँ से उस पर्सन को जो है इन्फेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मिल्क, मीट, चीज़, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। और ये जैसे ही ह्यूमन में आती है तो पर्सन से पर्सन जो है ये स्प्रेड बहुत ही कम होती है, बजाय इसके कि ये जो है थ्रू एनिमल टू ह्यूमन जो है वो फैलती है। तो मुझे लगता है कि नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है आपको समझ में आ गया होगा कि फुट और माउथ डिजीज़ और ब्रुसेलोसिस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए है, और इसके जो बेसिक एम है वो दो हैं कि कंट्रोल किया जाए इसको, और इसका जो इरेडिकेशन है कंप्लीट वो 2030 तक किया जाए। तो दोस्तों, आगे जानते हैं
आप जानते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है इंटरपोल नोटिसेस। तो इंटरपोल नोटिसेज जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के लिए जो है इशू किए जाते हैं। तो इंटरपोल के रेड नोटिस अभी हाल ही में नीरव मोदी के लिए जो है वो लॉन्च किए, मतलब इशू किए गए थे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इंटरपोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जिसके अभी तक जो है 194 मेंबर्स हैं, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दैट वाज इन 1923 लायन फ्रांस। तो विद द हेल्प ऑफ पुलिस इसमें क्या होता है कि सभी को इंटीग्रेट तरीके से वर्ल्ड को जो है सेफर प्लेस बनाने के लिए जो है ये इंटरपोल काम करता है। तो इसका जो की फोकस एरिया है वो है पब्लिक सेफ्टी एंड बैटलिंग टेररिज्म। इसके अलावा क्राइम से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, जिनोसाइड से रिलेटेड, वॉर रिलेटेड टू क्राइम्स, वार क्राइम्स जो होते हैं, और इन्वायरमेंटल क्राइम्स जो होते हैं, जितने भी प्रकार के क्राइम्स हैं उनके लिए इंटरपोल जो है काम करती है। अब इंटरपोल के जो क्राइम्स होते हैं उसके तीन हिस्से होते हैं, जिसमें जो है वो वाइड रेंज ऑफ पुलिसिंग और अन्य कैपेबिलिटीज़ जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ है उनको तीन तरीके के क्राइम में जो है वो सपोर्ट करती है, जैसे कि काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इमर्जिंग क्राइम और साइबर क्राइम। तो जब हम काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं तो ये जो है मेंबर कंट्रीज जितनी भी होती हैं उनको हेल्प करती है कि आप जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से को जो है डिस्टर्ब कर दीजिए। और उन कैसे करती है, जैसे आइडेंटिफाई करती है इंडिविजुअल्स को और नेटवर्क्स और उनके एफिलेट्स को जो है इंफॉर्मेशन जो भी मेंबर्स कंट्री होती हैं उनको ये इंटरपोल प्रोवाइड करती है। इसके अलावा देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जब बात करते हैं तो इसमें ये टारगेट करती है इंटरनेशनल क्रिमिनल्स और जो है उनकी जितनी भी मतलब एसेट्स वगैरह हैं सब कुछ ये आइडेंटिफाई करके जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जो है कमर से तोड़ने का काम करती है। इसके अलावा देखिए साइबर क्राइम की जब बात करते हैं तो ये मेंबर कंट्रीज़ को जो है पूरा सपोर्ट करती है इन द प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइबर अटैक्स। तो दोस्तों मुझे लगता है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड और जितने भी आपके एस्पेक्ट है रिलेटेड वो कवर हो चुके होंगे। तो UAPA का जो है अमेंडमेंट अभी हाल ही में सरकार लाई है और यही हमारा अगला टॉपिक है। तो UAPA जो अमेंडमेंट बिल आया है दोस्तों, ये गवर्नमेंट को डेजिग्नेट करता है, मतलब एम्पावर करता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को भी जो है टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। पहले क्या होता था, टेररिस्ट जो होते थे हमारे वहाँ या तो ऑर्गेनाइजेशन होती थी या पर्टिकुलर एंटिटी होती थी, मगर पर्सन को जो है पहली बार डेजिग्नेट किया जा सकता है एज अ टेररिस्ट। तो इसमें जो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA जो है वो किसी भी व्यक्ति के सीजर के लिए जो है अप्रूवल दे सकता है और किसी की भी प्रॉपर्टी को जो है NIA से इन्वेस्टिगेट करने की जो है नोटिस जारी कर सकता है। और इसके अलावा जो NIA के ऑफिसर्स हैं जो कि इंस्पेक्टर या उससे अबव के हैं वो कोई भी केस इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और ये जो है केस लिए किया गया है इसमें जो है कुछ ट्रीटीज़ जो हैं गवर्नमेंट ने जो है वो बताई हैं कि ये जो शेड्यूल है इनके वो नौ ट्रीटीज़ को डिफाइन करता है, जो कि कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग 1997, द कन्वेंशन ऑन टेररिस्ट, कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ हॉस्टेज, और जो है इसके अलावा बिल जो है वो अलग और भी ट्रीटीज़ को जैसे साइन करता है, जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 के अंतर्गत जो है ये सब एक्ट जो है वो फ्रेम किए जा रहे हैं, और UAPA प्रिवेंशन एक्ट में जो है वो बदलाव लाया गया है। अब देखिए 2009 NIA एक्ट में क्या होता है, एक नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेंट्रल लेवल पर बनाई जाती है बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट टेररिज्म एक्टिविटीज़, जो कि सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है। इसके अलावा देखिए ये क्या करती है कि टेररिस्ट रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस द परमिशन ऑफ द स्टेट ये। इसके अलावा देखिए अगला काम जो ये करती है वो ये करती है कि NIA को पूरी तरीके से डेजिग्नेट कर देती है कि आप जो है इन लोगों को जो है किसी भी तरीके से डील करो। इसके अलावा देखिए एजेंसी और जो कि सेंट्रल लेवल पे बनी है वो इससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है, ऑफेंस हैं और टेररिज्म और अन्य काइंड के जो एक्ट हैं उनको उनसे रिलेटेड जो है ये काम करें। इसके अलावा देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास। इसके अलावा देखिए एजेंसी है वो NIA एक्ट 2008 के एनेक्टमेंट के बाद जो है अस्तित्व में आई थी। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, तो और इवन फार्मूला दिल्ली में अभी हाल ही में इम्प्लीमेंट किया गया है,
तो ये जो अगली जो हमारा टॉपिक है वो दिल्ली का और इवन फार्मूले से ज़्यादा, तो दिल्ली के पोल्यूशन के क्या कारण है और उनको टैकल कैसे किया जाए, और इवन फार्मूला क्या है, किस तरीके से ये काम करेगा, क्योंकि ये मेंस के हिसाब से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और प्रॉब्लम्स के हिसाब से भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों जानते हैं, आइए दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों जो एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली है उसके बहुत से मेजर कंसर्न जो हैं और उसके जो बहुत से कारण हैं वो जो है हाल ही में सामने आए हैं। तो दोस्तों अभी जो हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है 4 से 15 नवंबर 2019 तक जो है ऑडिबन फार्मूला जो है पहले फेज़ में जो है लागू किया है। इससे पहले भी सरकार ये काम कर सकती है, कर चुकी है। तो देखिए इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे। तो इसके इफ़ेक्ट ये होंगे कि दिल्ली का पोल्यूशन जो है एस्टिमेटेड जो है 11 से 15% कम होगा। इसके अलावा सरकार की जो इनिशिएटिव है उनमें सरकार एंटी पोल्यूशन मास्क जो है सिटीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग करवा रही है, वाटर स्प्रिंकलिंग ऑन रोड्स, ट्री प्लांटेशन सरकार करा रही है। इसके अलावा स्पेशल मेजर्स लिए गए हैं 12 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट को कंट्रोल करने के लिए, फायर क्रैकर जो है अवॉइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए इन्वायरमेंटल मार्शल्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल म्यूनसिपल वार्ड्स में जो हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड कंट्रोल रूम जो है मॉनिटर करने के लिए जो है बनाया गया है एयर पॉल्यूशन को। तो दोस्तों जो इसके कॉजेज़ हो जाते हैं वो स्टेबल बर्निंग है। स्टेबल बर्निंग कैसे, देखिए 35 मिलियन टन जो है फायर जो है पंजाब हरियाणा और यूपी के जो राज्य हैं उनमें जो है जलाया जाता है, जिसके एयर पॉल्यूटेंस जो है हवा जो है दिल्ली में लेके आ जाती है। इस पर इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया में सॉरी एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, तो मैं उस आर्टिकल को शेयर कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वो देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए व्हीकुलर एमिशन की जब हम बात करते हैं तो 9 मिलियन व्हीकल्स जो हैं रजिस्टर किए गए थे। तो व्हीकल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन नीरी ने जो है व्हीकुलर एमिशन को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर की बात कही है पूरी दिल्ली में। तो इसके अलावा देखिए जो वेदर कंडीशन है, तो वेदर कंडीशन क्योंकि विंटर है तो विंटर में क्या होता है जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ जो है इजीली स्टिकअप हो जाते हैं, जिससे कि जो होता है क्योंकि कॉम्पैक्टनेस जो होती है विंटर में जो होती है पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोज आ जाते हैं तो मूवमेंट की जगह मिलती नहीं है, तो विंड क्योंकि स्टेगनेट है तो इससे क्या होता है पॉल्यूशन पार्टिकल जो है स्मोक के रूप में जो है पूरी दिल्ली में छा जाते हैं। इसके अलावा देखिए दिल्ली की पॉपुलेशन जो है 11,000 पर्सन पर के स्क्वायर किलोमीटर की है और दिल्ली में जो है सबसे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड है, और ओवर पॉपुलेशन जो है ड्यू टू इंटर स्टेट माइग्रेशन और इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है दिल्ली का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दिल्ली में लगातार कमी उभर रही है क्योंकि जो है माइग्रेशन बढ़ रहा है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इनकैपेबल है इस ग्रोइंग लोड को झेलने में। तो दोस्तों इसके अलावा कई जो है कंसर्न है जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं और जो है वेस्ट को खुले में जला देना, तो ये भी जो है दिल्ली के पॉल्यूशन को मैं जो है कंट्रोल करते हैं इसके कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा देखिए थर्मल पावर प्लांट और इंडस्ट्रीज जो हैं तो वो क्या करती हैं अपने गार्बेज को यूं ही खुले में जो है उसको डाल देती हैं, जिसकी वजह से जो फ्लाई ऐश वगैरह है वो उड़ती है तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा देखिए फायर क्रैकर में जो है 2017 की में बैन भी लगाया गया था, बावजूद इसके दिवाली में इसको खूब यूज़ किया गया, जो भी जो कि एक मेजर कंसर्न है। इसके अलावा देखिए डीजल जनरेटर्स जो हैं वो भारी मात्रा में जो है हाउसेज में जो है यूज़ होते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द एयर पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली। इसके अलावा देखिए डस्ट जो है गल्फ डस्ट स्टॉर्म जो है गल्फ कंट्री से जो आते हैं, जो कि 2017 में भी आए हुए थे, तो ये बेसिकली एक बड़ा रीज़न माना जा रहा है तो जो कि दिल्ली की एयर कंडीशन को और भी ज़्यादा वर्स कर देता है। तो गवर्नमेंट्स ने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं दोस्तों, ये भी एक बड़ा कंसर्न हो जाता है। बायोफ्यूल फ्रॉम प्लांट जो है वो कलेक्ट हो किया जाता है और वेस्ट टू एनर्जी जो है पावर प्लांट जो है वो हाल ही में जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है स्टार्टअप किया है। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट ने जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया है। तो ये GRAP ग्रैप क्या है, तो ये इसमें क्या होता है बदरपुर थर्मल प्लांट में जो है ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो बैन कर दी गई हैं। इसके अलावा देखिए पॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम जो है न्यू दिल्ली में जो है वो लगाया गया है और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है और जगह जगह पॉल्यूशन के जो है बोर्ड लगाए गए हैं।
तो देखिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, ये इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है, तो आप इसको बहुत ही गंभीरता से लें। PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा देखिए सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में जो है BS6 नॉर्म्स के लिए जो है 2020 अप्रैल की जो है गाइडलाइन जो है सेट की है, जो कि Euro 6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही है। हमने क्या किया है, जो BS4 नॉर्म्स है उससे डायरेक्टली 5 में ना जाते हुए हम डायरेक्टली BS6 नॉर्म्स पे आ गए हैं। तो इसीलिए जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड भी मिला है, क्योंकि उन्होंने जो है इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स जो है अपने समय से पहले पूरे किए हैं। जैसे कि जो है जैसे सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में जो है इंडिया ने जो है अपने डबलिंग टाइगर इनकम का जो है वो पार्ट जो है समय से पहले जो है पूरा कर लिया। इसके अलावा भी बहुत से जो जितने भी मेजर अचीवमेंट हैं इंडिया के वो जो है बेसिकली आप देख सकते हैं, जैसे कि हम जो है UNCCD में जो है जो हमारे डेजर्टिफिकेशन का टारगेट था वो 13 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ा के हमने 16 मिलियन हेक्टेयर कर दिया, और प्लस एडिशनल जो है उसका 8 मिलियन हेक्टेयर तो हम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंंगे बाय 2030। तो 2022 से पहले ही हमने लैंड डिग्रेडेशन का टारगेट अचीव कर लिया। तो ऐसे बहुत से टारगेट्स जो है इंडिया ने जो है अचीव कर लिए हैं। इसके अलावा देखिए कंस्ट्रक्शन और ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सप्रेसवे जो है वो शुरू किया गया है, जिससे कि दिल्ली का जो वैक्यूलर एमिशन है तो उसको कम किया जा सके, और बैन ऑन लिविंग बायोमास इन दिल्ली इसको भी कम किया गया है, और एंट्री ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ नॉन डेजिग्नेटेड ट्रक्स जो है दिल्ली में जो है ये भी एक गवर्नमेंट का जो है स्टेप है। इसके अलावा देखते हैं हाल ही में जो है COP 14 की बैठक जो है दिल्ली में हुई थी, जो UNCCD की बैठक जो है 13 सितंबर 2019 को जो है इंडिया ने होस्ट की थी। तो इसके आउटकम ये थे कि इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन 2019 का जो है सुबह जो है वो ली गई। तो इसमें क्या किया गया दोस्तों, इसमें सस्टेनेबल गोल्स को जो है वो टारगेट जो है सेट किया गया कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी जो है सभी नेशंस जो है 2030 तक जो है अचीव करेंगे। और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या है कि जितने भी लैंड है अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड तो उसको जो है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, कैसे लैंड न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे कि अगर 1 मिलियन हेक्टेयर जो है इंडिया गवाता है बाय लैंड डिग्रेडेशन, तो इंडिया को 1 मिलियन हेक्टेयर जो है डिग्रेडेड लैंड को जो है दोबारा से रिस्टोर करना होगा बाय एफॉरेस्टेशन और इन सब एक्टिविटीज़ के जरिए। तो इससे क्या होगा, अगर 1 मिलियन तो ये क्या हो गया, लैंड न्यूट्रलिटी हो गया, यानी कि जितना आपने लूज़ किया उतना ही वो किया ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सस्टेनेबल हो जाए। तो इसके लिए जो है मेजर कमिटमेंट्स और वाइड रेंज ऑफ इशू जो है डिस्कस किए गए, जैसे जेंडर हेल्थ, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इसके अलावा एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, और 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड लैंड जो है इंडिया में वो रिस्टोर करना यहाँ के जो है मेजर कंसर्न्स थे। तो दोस्तों इसके आगे जानते हैं, तो हाल ही में दूसरा इनिशिएटिव जानते हैं, इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबिलिटी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये जो 3S इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है 14 अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा फॉर मिटिगेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और ये बेसिकली एम करता है टू रिस्टोर लैंड और क्रिएशन ऑफ ग्रीन जॉब्स फॉर माइग्रेंट्स एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। तो UNCCD के बारे में जान लेते हैं, ये 1996 से जो है बॉन में जो है बॉन जर्मनी में जो है ये इसका जो है एडवेंट हुआ था, और ये फर्स्ट इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग जो है फ्रेमवर्क है। इसके अलावा देखिए इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और जितने भी ड्रॉट और डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं उनको कॉम्बैट करना। इंडिया जो है UNCCD का सिग्नेटरी बना अक्टूबर 14, 1994 में, और इसको दिसंबर 17, 1966 में जो इंडिया ने रेटिफाई किया। इसमें जो नोडल एजेंसी इंडिया की है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, और इसमें जो है इंडिया टोटल जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या है 196, जो कि 195 स्टेट्स हैं। इसके अलावा एक पूरे यूरोपियन यूनियन को भी एज ए मेंबर इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए डॉट टूल बॉक्स जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये डॉट टूल बॉक्स ये है कि इसमें क्या UNCCD क्या काम करता है कि जितने भी नेशंस होते हैं उनको जो है नॉलेज बैंक पूरे जो है बनाया जाता है, जो कि जिससे कि कंपनी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें ड्रॉट को मिटिगेट करने के लिए। तो डॉट टूल बॉक्स जो है हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप उनको देख लीजिए, इससे आपका डॉट टूल बॉक्स जो है ये खाली रिवीजन के लिए मैंने स्लाइड्स इंसर्ट की हैं। तो पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव जो है अगला टॉपिक है वो साउथ कोरिया के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और पीस बिल्डिंग के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा देखिए लैंड डिग्रेडेशन
के लिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो कन्फ्लिक्ट टर्न बॉर्डर है, बॉर्डर एरियाज़ में जो है उसको मिटिगेट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म SDS, तो दोस्तों ये अगला इनिशिएटिव है। तो ये इनिशिएटिव क्या है, ये कोएलिशन जो है वो डेवलप किया गया है SDS सोर्स बेस मैप बनाने के लिए, और इसका गोल क्या है, टू हैव मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स टू दिस स्टॉर्म्स। इसके अलावा देखिए 76% ऑफ UNCCD कंट्री पार्टीज जो हैं वो 151 कंट्रीज, और टोटल जो हैं अप्रॉक्सीमेटली 151 कंट्रीज जो हैं वो SDS के जो इफेक्ट्स हैं उनसे जो है प्रभावित है। इसलिए जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है सैंड और डस्ट स्टॉर्म के अगेंस्ट जो है इतना बड़ा वो लॉन्च किया गया है। तो अभी देखिए यमुना फ्लड प्लेन हाल ही में न्यूज़ में थे, क्योंकि NGT ने जो है वॉर्न किया था DDA को पेनल्टी लगाने के लिए उनके काम के ऊपर। तो देखिए इसमें क्या किया गया था, जो यमुना फ्लड प्लेन का जो डिमार्केशन जो था उसका काम जो है फॉर बायोडायवर्सिटी प्रिवेंशन जो है वो नहीं कर पाई थी DDA। तो फ्लड प्लेन क्या है, फ्लड प्लेन वो एरिया है जो फ्लैट लैंड है जो कि रिवर या स्ट्रीम के आसपास बहती है और रिवर बैंक जो है उसके आउटर एजेस तक जो है फ्लो कर जाती है और कई बार उसको भी इनंडेट कर देती है, तो वो फ्लड प्लेन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये रिवर है तो इसकी 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर तक जो है ये रिवर जो है कभी बरसात के टाइम जो है स्ट्रेच कर सकती है, तो ये पूरा इसका जो हो गया फ्लड प्लेन हो गया। तो देखिए फ्लड प्लेन मुझे लगता है समझ में आ गया हो। तो अब रिवर यमुना के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। यमुना क्या है, देखिए ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर, तो आप याद कर लीजिए गंगा जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर एट द हाइट ऑफ 6837 मीटर की हाइट से ये निकलती है फ्रॉम द स्लोप ऑफ साउथ वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपुंछ इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से ये बेसिकली निकलती है और इसकी पूरी जो लेंथ है वो है 1367 किलोमीटर, और त्रिवेणी संगम प्रयाग में जाके जो है गंगा इलाहाबाद में गंगा से मिलती है, कहाँ, प्रयागराज में, जो कि पहले कहलाता था इलाहाबाद। तो दोस्तों मुझे लगता है कि गंगा के बारे में आपको बहुत सी नॉलेज मिल चुकी होगी। तो इसकी जो मेजर पेनिनसुला ट्रिब्यूटरीज हैं ये आप नाम याद कर लीजिए, इस पर अलग से नोट्स बना लीजिए। चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो है इसकी पेनिनसुला ट्रिब्यूटरी हैं, और नॉन पेनिनसुलर हैं टोन और हिंडन। आइए इसको थोड़ा सा मैप के जरिए जो है समझते हैं अगली स्लाइड में। तो देखिए ये आई आपकी यमुना रिवर यहाँ से निकली, तो देखिए ये यमुना रिवर जो है यहाँ पे मिल गई गंगा से, यमुना रिवर कहाँ पे मिली गंगा से, यहाँ पे मिल गई यमुना से। तो ये आई चंबल, यहाँ से बेतवा इससे मिली, तामसा मिली, और भी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे बानस चंबल की ट्रिब्यूटरी है और बेतवा यहाँ आके जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो है इस मैप में नहीं दर्शाई गई हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी जैसे कि मेजर जो रिवर्स हैं जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है उनकी ट्रिब्यूटरी दर्शाई गई हैं। तो आप इस मैप को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत ही काम का मैप है, इसे मैंने बहुत ही मेहनत से जो है निकाला था। तो देखिए अब अगला जो है इशू है वो बैंकिंग मर्जर का है। तो इंडिया ने जो है इंडिया में की बैंक का जो मर्जर है इलाहाबाद बैंक PNB और इलाहाबाद बैंक का मर्जर जो है इंडियन बैंक से हो गया है, PNB और OBC और यूनाइटेड बैंक को है जो मर्ज होना है, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मर्ज होना है, वहीं सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक का जो है मर्जर होना है। तो दोस्तों इसका जो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि बैंक को कम्पीट ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने में हेल्प करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी इससे आती है, और कोऑर्डिनेशन की जो प्रॉब्लम है और NPA की रिकवरी में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो है ईजिली बैंकों को जो है देखने में जो है मदद मिलती है। इसके अलावा जो है बिगर एंटिटीज जो होती हैं वो लोगों को जो है बड़े लोन दे सकती हैं। इसके अलावा डिसीजन लेने में जो है काफ़ी हेल्प मिलती है। और जो अगला इसका फ़ायदा है वो ये है कि लार्ज कस्टमर बेस हो जाता है। इसके अलावा देखिए ब्रॉडर लेवल पे जो है इनके फुटप्रिंट से छोड़ने में जो है काम कर पाते, क्योंकि इनका जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है और जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है बैंक की। क्यों, क्योंकि इनका जो टोटल जो है नंबर ऑफ़ एसेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अभी लास्ट टॉपिक हमारा आ चुका है वाटर रिवॉल्यूशन इन हांगकॉन्ग। तो देखिए चाइना में जो है
हाल ही में जो है अपनी हांगकांग को रिलेटेड ऑटोनॉमी को जो है चाइना ने में जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। और हाल ही में, कल ही की बात बता रहा हूँ, कि यूएसए जो है हांगकांग के लिए जो बिल लाया है जिसमें कि हांगकांग को जो है अगर हांगकांग के साथ जो स्पेसिफिक जो है अगर यूएसए जो है स्ट्रेटेजिकली ये एनालाइज नहीं कर पाता है कि हांगकांग में जो है अच्छे रिलेशन है, तो यूएसए को जो है हांगकांग को दिया गया स्पेशल स्टेटस छीन लेगा, ऐसा वहाँ के सीनेटर्स का कहना है। अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप उस पर साइन करते हैं तो ये बिल जो है एक्ट तो बन जाएगा, और यूपीएससी का भी इस पर जो है क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए। इसके अलावा देखिए, तो इसमें क्या होता है, चाइना में जो है वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच जो है वो फॉलो किया जाता था, और इस अप्रोच में क्या था, चाइना और मकाऊ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो थे वहाँ के थे, और इनको डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम से जो है एडमिनिस्टर किया जाता था फ्रॉम मेनलैंड ऑफ चाइना। तो जो है ये था, ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का तो पार्ट था, मगर इसको जो है टू लैंड पॉलिसी के तहत जो है अलग से जो है ये जो हांगकांग का रीजन है दोस्तों, ये इसको जो है अलग से जो है एडमिनिस्टर किया जाता था चाइना के अंदर, मगर अब चाइना ने जो है इसको जो है लेने की जो है बात कर ली है। तो इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, तो 19 दिसंबर 1884 को क्या होता है, चाइना और यूके जो है साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं, जो कि ये टर्म्स सेटअप करता है कि ऑटोनॉमी एंड लीगल इकोनॉमिक जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो हांगकांग की पोस्ट जो है 1997 में इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा देखिए, 26 मार्च 1987 को जो है क्या होता है, चाइना और पुर्तगाल जो है जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं और मकाऊ के क्वेश्चन पर, तो मकाऊ को जो है चाइना का पार्ट इसमें बनाया जाता है, और बीजिंग के को जो है मकाऊ जो है दे दिया जाता है, तो वहीं से इशू आ जाता है इसका कि जो है हांगकांग किसके अंडर में रहेगा, तो हांगकांग पे जो है ऑटोनॉमस स्टेट जो है बनाया जाता है, तो हांगकांग को मगर अब जो है चाइना उस पर फिर से ऑटोनॉमी क्लेम करते हुए वो जो भी ऑटोनॉमस वन स्टेट और टू गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उसको एबोलिश करने की बात कर रहा है, तो वहाँ पे सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट जो है चालू हो चुके हैं। तो अगला टॉपिक दोस्तों, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, बट हमने आज के प्रीलिम्स स्पेशल वीडियो में ले लिया, क्योंकि हम मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी जो है क्वेश्चन प्रीलिम्स में जो है हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि गवर्नमेंट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में जो है वो विफल रही है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, देखिए ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि आर्टिकल 44 ऑफ DPSP कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये आपके लिए आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाबानो केस इंपॉर्टेंट हो जाता है 1985 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो शाबानो नाम की जो वुमेन थी जिसे कि वो हस्बैंड ने जो है मेंटेनेंस डिनाई कर दिया था, तो वो उसने अप्रोच किया था डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट, और उन्होंने जो है फेवर किया था शाबानो को, तो उसके बाद जो है वो डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसके फेवर में रूल करते हुए 1985 में ये कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 ऑफ ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड जो है हर किसी रिलीजन पे जो है लागू होता है। तो दोस्तों बेसिकली हर किसी रिलीजन पे लागू होने का मतलब यह है कि लॉ इज़ सुप्रीम, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि लॉ सुप्रीम है और पर्सनल लॉ जो है आर सब्जुडाइज टू द बेसिक लॉज। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेस्ट एग्जांपल है गोवा, जो कि पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी पहले ब्रिटिश काल में, तो पोर्टुगीज़ ने जो है वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू कर दिया था। तो अब देखिए बेनिफिट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या क्या हो सकते हैं, ये मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये सभी को इक्वल स्टेटस देता है, जेंडर पैरिटी लाता है, इसके अलावा देखिए लोगों की एस्पिरेशन और यंग जनरेशन की जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग रहता है, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, और बाईपास जो है कन्वेंशन इशूज़ को जो है बाईपास कर देता है, फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करता है, डिफ़िकल्ट चीज़ जो डाइवर्सिटीज़ में उनको हटाता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो एनक्रोचमेंट ऑन रिलीजन फ्रीडम है इसको जो है चैलेंजेस के रूप में देखा जाता है, वहीं जब प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है जैसे डाइवर्सिटी इंडिया की बहुत है तो ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी हो जाती है, जब चैलेंजेस की हम दूसरी और बात करते हैं तो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पर्सनल मैटर इसे कहा जाता है, वहीं जो है ये सेंसिटिव टास्क बन जाता है, और इसके अलावा जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कंट्रोवर्सीज ऑफ लव जिहाद है, बीफ इशूज़ है, सेफ्रनाइजेशन ऑफ स्कूल है, तो जो है इसकी वजह से जो है लॉ कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया था कि अभी जो है इंडिया इज़ नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है
एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और इंडिया के पास जो है रिच लीगल हेरिटेज है, क्योंकि जो है बहुत सारे पर्सनल लॉज और इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इंडिया में है। इसके अलावा देखिए, मेजर सेंसिटाइजेशन जो है एफर्ट जो है नीड जो है वो अभी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी में जब तक अपने आप में रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक ग्लोबल लेवल पे, मतलब पूरे ब्रॉडर लेवल पे, इंडिया के लेवल पे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना जो है संभव नहीं है। इसके अलावा देखिए, जो करंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मॉडर्नाइज और डेमोक्रेटाइज करने की जो ज़रूरत है वो आगे बढ़ते जा रही है। तो वहीं जो है सिंसियर एफर्ट चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, टू हैव द वुमेन राइट्स प्रिजर्व्ड इन द कंट्री। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये टॉपिक्स जितने भी थे प्री प्लस मेंस दोनों की कंबाइंड अप्रोच थी, मगर जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक थे वो पॉइंट्स आपको अलग से बताए गए। तो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आप हमारे मेंस राइटिंग इनिशिएटिव से जुड़ जाइए, जिसमें जुड़ने के लिए आपको 9994943600 पर आपको मैसेज करके जो है मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में जो है आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारा मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहा है, फेसबुक पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और अगर कोई भी क्वेरी है आप ias.help@gmail.com पे आप मैसेज कीजिए। वहीं जो हमारा फ़ोन नंबर है 9994943600, इससे जो है आप जुड़ के हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से जो है अपनी क्वेरीज को जो है पूछ सकते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर हमारा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है आपकी तैयारी के लिए तो इस चैनल को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों जोड़िए, क्योंकि आ कैंडल लूज इज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल, एक मोमबत्ती कुछ भी नहीं खोती दूसरी मोमबत्ती को जलाकर। तो दोस्तों, उसी प्रकार से अगर आप दूसरों को ज्ञान बांटेंगे तो ये ज्ञान जो है, ये चैनल को अगर आप शेयर करेंगे तो और लोगों का भी फ़ायदा होगा, और एक मोमबत्ती क्योंकि आप हैं तो अगर आप दूसरे को ज्ञान दे देंगे तो इससे क्या पता उसका भी भला हो जाए, और उसकी दुआ से आप भी UPSC क्वालिफाई कर जाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।